हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामगढ़ न्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एएलपी जेई और ग्रुप डी कैंडिडेटों के बारे में, जिनको कि यहाँ पे कई कैंडिडेट ऐसे हैं वेटिंग लिस्ट वाले जो ऑनलाइन आरटीआई करने में उनको प्रॉब्लम आती है और वो ऑनलाइन आरटीआई का फॉर्म फुलफिल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, कई बार कैंडिडेटों के कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन आता है, सर ऑनलाइन आरटीआई कैसे फुलफिल किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन आरटीआई के बारे में कि रेलवे में ऑनलाइन आरटीआई कैसे करें, स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में बात करने वाले हैं, और क्या क्वेश्चन आरआरबी से करें जिनका जवाब हमें आरटीआई में मिल सकता है, और फ्रेंड्स जो भी हम क्वेश्चन करें उसका फाइनली जवाब आरटीआई में दिया जाता है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट में देखिएगा, आप सभी को अपना गूगल ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लेना है, जिसमें आपको टाइप करना होगा यहाँ पे आरटीआई के बारे में। तो आपको टाइप करना है यहाँ पे ऑनलाइन आरटीआई। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आरटीआई जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो उसके बाद में आपको सर्च करना है। सर्च बॉक्स में यहाँ पे फर्स्ट में ही आता है आरटीआई ऑनलाइन, ये देखिएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं, होम के, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, यूजर मैनुअल, एफएक्यू, फीडबैक। फ्रेंड्स, इसमें जो हमें यहां से सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से दी जाती है, इसको हमें नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हमको क्लिक करना है, उसके बाद में इसे सबमिट कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट में देखिएगा सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन है इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इसमें एक ही चीज़ सर्च मारनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जैसे आप इसमें नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाला सेशन, जिस पे कि हमें फाइनली यहाँ से क्लिक कर देना होगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इस सेशन पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पेज आता है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो फ्रेंड्स इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में जिस भी ऑफिस में या आरआरबी में आपको आरटीआई फुलफिल करना है, उसको हमें सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे किसी को यहाँ पे देखिएगा, सभी जोनल रेलवे के भी नाम यहाँ पे दिए गए। जैसे किसी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर वर्कशॉप में यहाँ पे आरटीआई फुलफिल करना है, तो इस वाले सेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि किसी भी कैंडिडेट को आरआरबी में यहाँ पे ऑफिशियल आरटीआई करना है, तो फ्रेंड्स इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे आरआरबी की पूरी वेबसाइट शो हो जाएंगी। फर्स्ट में देखिएगा आरआरबी अहमदाबाद की बताई गई है, उसके बाद में आरआरबी अजमेर, आरआरबी इलाहाबाद, कोई सी भी जिस भी आरआरबी में आप आरटीआई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सैंपल के तौर पे यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर को सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, उसके बाद में आपको अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद में आपको अपना फाइनली जो भी आपका एड्रेस है, सब कुछ एड्रेस यहाँ पे पिन कोड सहित मेंशन करना होगा। उसके बाद में यहाँ से देखिएगा, इसमें दिया गया है स्टेट, यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो महाराष्ट्र स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर रूरल और अर्बन का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें रूरल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में लिटरेट और इलिटरेट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें लिटरेट का ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे फोन नंबर हमें फुलफिल करना है। फ्रेंड्स, जिस भी फ़ोन नंबर को आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे, आरटीआई का जैसे रिप्लाई आता है तो उस मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद में हमें जीमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। फ्रेंड्स, दो बार जीमेल आईडी लगानी है कन्फर्म होने के लिए। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से सिटीजन पे हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेना हो, जो ऑलरेडी यहाँ से सेलेक्ट रहता है। उसके बाद में जो कैंडिडेट यहाँ से देखिएगा, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, वो कैंडिडेट यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे, और जो नहीं आते हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे बीपीएल का कार्ड नंबर और डेट ऑफ इशू, कब यहाँ पे बीपीएल कार्ड इशू किया गया था, उसके बाद में किसकी ऑथोरिटी से हमें बीपीएल कार्ड बनाने की परमिशन मिली थी, फ्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर देना होगा।
और जैसे हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमें कोई भी ऑप्शन यहाँ से नहीं आएगा। इसके लिए हमें ₹10 RTI की फीस फुलफिल यहाँ पे करनी होगी, उसी के बाद में हमारा RTI आगे के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट BPL में आता है तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज नहीं होती है। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो बॉक्स है इसमें देखिएगा हम जो स्पेशल करेक्टर यूज करेंगे अपने क्वेश्चन यहाँ पे RRB से करते समय, तो ये देखिएगा कई स्पेशल करेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हीं स्पेशल करेक्टर का हम ऑनलाइन RTI में क्वेश्चन करते समय यूज करते हैं। यदि इनके अलावा किसी भी स्पेशल करेक्टर का हम यूज करते हैं तो हमारा RTI सबमिट नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसमें आप RTI सबमिट करने से पहले, जैसे ही आप ALP और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे RTI करना चाहते हैं तो फर्स्ट में आपको मेंशन करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिएगा इसमें लिखना होगा आपको CEN 01/2018। फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे ये टाइप करेंगे उसके बाद में देखिएगा ये यहाँ पे टाइप हो चुका है। उसके बाद में हमें अपना नाम यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद में हमें नाम और फादर्स नेम दोनों डालने होंगे, उसके बाद में हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में हमें रोल नंबर। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे उसके बाद में हमें यहाँ से क्वेश्चन करना होगा। तो क्या क्वेश्चन हम करेंगे उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी तक अपना CBT का मार्क्स नहीं पता है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन करेंगे CBT मार्क्स के लिए, जो कि आपको पता है पार्ट ए के मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, उसी के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा। यदि किसी कैंडिडेट को साइको के लिए भी क्वेश्चन करना है कि कितने मार्क्स उसको मिले थे, उसके लिए भी आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस मेडिकल श्रेणी में आपको यहाँ से फिट किया गया है RRB के द्वारा, तो उसका भी आपको फाइनली जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में देखिएगा वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनका थर्ड क्वेश्चन होगा रैंक के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे CEN 01/2014 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे RTI में क्वेश्चन करते हैं कितनी वेटिंग यहाँ से बची हुई है और कितने कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे क्वेश्चन करने से हमें कोई भी फायदा नहीं है। आप सभी को पता होगा 2014 वाली ALP भर्ती की सभी RRB की वेटिंग यहाँ से क्लियर हो चुकी है। हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है हमारी CEN 01/2018 वाली ALP और टेक्नीशियन भर्ती के लिए। यदि कोई कैंडिडेट JEE के लिए यहाँ पे RTI करता है तो उसको यहाँ पे अपना CEN नंबर 03/2018 मेंशन करना होगा। उसके बाद में सब कुछ प्रोसेस बेसिक ही रहता है। तो फ्रेंड्स, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन हम मेडिकल के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा कि हमें अपनी श्रेणी में यदि कोई कैंडिडेट UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने नंबर रैंक उनको यहाँ से वेटिंग लिस्ट में अभी भी मिली है और कितने कैंडिडेट यहाँ से वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सभी कैंडिडेट जो RTI करना कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो एक क्वेश्चन अपनी अपनी RRB से प्रत्येक बार करें कि कितनी वैकेंसी, यदि आपका फाइनल पैनल RRB की तरफ से जारी कर दिया है ALP का हो या टेक्नीशियन का हो, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप उनसे ये करिएगा कि कितनी वैकेंसी अभी भी RRB में ALP हो या टेक्नीशियन हो या फिर JEE हो या ग्रुप डी हो, कितनी वैकेंसी और RRB में बची हुई हैं और फ्रेंड्स कितनी और नई वैकेंसी क्रिएट हुई हैं और कब तक रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया जाएगा और कितने कैंडिडेट हैं जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हैं और उनको फ्रेंड्स यहाँ से कब तक इम्पैनल्ड किया जाएगा, कब तक शॉर्टलिस्ट रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू RRB में ज्वाइनिंग दी जाएगी। फ्रेंड्स, देखिएगा कई प्रकार के क्वेश्चन आप RRB से कर सकते हैं जिनका कि कई RRB में जवाब नहीं आता है, लेकिन फाइनली आपने देखा होगा RRB इलाहाबाद हो गया, RRB यहाँ से भुवनेश्वर बोर्ड हो गया, RRB गुवाहाटी बोर्ड हो गया, जो कि फाइनली RTI में अपना सब कुछ जवाब कैंडिडेट के लिए मेंशन कर देते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा ALP और टेक्नीशियन के लिए RRB चेन्नई बोर्ड ने यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे लिंक डाल के सभी कैंडिडेटों की रैंक यहाँ पे पब्लिश की थी, जिसमें सभी कैंडिडेट अपने रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपनी रैंक यहाँ से चेक कर सकते थे। उसके बाद में फ्रेंड्स, देखिएगा
इतना सब कुछ क्वेश्चन करने के बाद में जो भी आपके यहाँ से डाउट हैं उसी के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे ही आरटीआई का जवाब आता है तो फ्रेंड जो भी उनके एक्ट के अंदर आता है सब कुछ वो ऑफिशियली जवाब यहाँ से शेयर करते हैं। कई कई आरआरबी हैं, जैसे आरआरबी बिलासपुर हो गया फ्रेंड्स, वो कभी भी यहाँ से वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों के लिए ना ही तो वेटिंग लिस्ट में बचे हुए कैंडिडेटों के यहाँ पे सीरियल मेंशन करता है, ना ही कुछ यहाँ पे पब्लिश करता है फ्रेंड्स। इसके बाद में जो आपको करना होगा यहाँ से देखिएगा, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है उसको आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ से देखिएगा मेक पेमेंट वाले सेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करेंगे एक नई पेज आपके सामने खुलकर आएगी, जिसके लिए कि आपको 10 रुपये यहाँ से पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ऑनलाइन आरटीआई को सबमिट कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर अपना स्टेटस, जैसे ही आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा आप इस वाले सेशन पे क्लिक करना होगा व्यू स्टेटस के लिए। फ्रेंड्स जैसे व्यू स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको सबमिट होते समय आपकी जीमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उस जीमेल आईडी के रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जिस रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर आपको मैसेज आता है जो आपने ऑनलाइन करते समय फॉर्म में डाल लिया, उस जीमेल आईडी को यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी कोड डालना होगा, उसके बाद में सबमिट कर देना होगा। फ्रेंड्स जैसे आरटीआई का यहाँ पर रिप्ले आता है तो इसी वाले व्यू स्टेटस पे आपको आरटीआई का रिप्ले शो होगा और उसी में सब कुछ आपके जो भी डाटा आपने आरआरबी के लिए बूझे हैं सब कुछ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बताया ऑनलाइन आरटीआई रेलवे के लिए कैसे कर सकते हैं। यदि अभी भी किसी कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट रह गए हैं तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स यदि किसी भी प्रकार की आपको आरटीआई करनी है, जेई के रिगार्डिंग, एएलपी के रिगार्डिंग, टेक्नीशियन के रिगार्डिंग या फिर ग्रुप डी के रिगार्डिंग, फ्रेंड्स सेम प्रोसेस यहाँ से रहेगा। सिर्फ आपके क्वेश्चन चेंज होंगे कि किस आप आरटीआई में क्या जानना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए आप आरटीआई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि किसी भी कैंडिडेट के कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।